अब मुझे पता चल रहा है इस ड्रामे के मिलियन व्यूज क्यों आती हैं। बिल्कुल सही, इसके तो 50 आने चाहिए। हर गली में एक फीदी है जो ड्रामा देखता है और कहता है बस मैंने भी गंदगी करनी है और गंदगी करूंगा और नहीं मिलेगा तो मैं बदवाई दूंगा और सब गर्क हो जाएंगे। ये बहुत ही गलत बात है, गलत दिखाया जो। क्या मैसेज है, मतलब एक लड़का और लड़की ने उसे मुंह भी लगाया, उसने खुद ही दिमाग में कहानी बना के उसने प्यार कर दिया, उसने बदवा दे दी, तो वो लड़का बेचारा मुझसे ना कुछ किया ना करा, ये क्या मैसेज दिया आपने। बहुत ही बेतुकी बात की गई है। सच्चा प्यार वो कुछ करती इकरा कुछ करती फिर बदवाई देता, फिर बात बनती है कि बदवाई दी उसका दिल तोड़ा। हर कोई उठता है फीदी का दिल टूट गया, फीदी का दिल टूट गया, फीदी का दिल टूट गया। सच्चे आशिक की अगर लगे बदवा तो लोग तहस नहस हो जाते हैं। बहुत सारे सीन्स इसमें ऐसे किए जिसमें वाकई में रो पड़ी। एक शादी का सीन होता है कि वो शादी होकर जब उस रात दूसरे लड़के से शादी हो जाती है तो उसको अपने पुराने लड़के की जिससे साथ उसकी शादी उसने सोचा हुआ था उसकी बातें याद आ रही हैं, तो वो लड़की शदीद रो रही है। उस दिन मैं वाकई रो गई थी, मैं इतना रोई थी उस सीन में। वो कहने कि तुमने बहुत अच्छा सीन किया है, मैंने कहा हाँ बिकॉज आपको नहीं पता ये एक्चुअली मैं ये सोचती कि मेरी जिससे शादी हुई है दानिश से, अगर मेरी दानिश से नहीं होती तो मैं क्या सोच रही होती या मैं क्या फील कर रही होती। ये बहुत तकलीफ दे चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि यार कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं है, नहीं हुई शादी कोई बात नहीं, 10 लोग हैं 10 पसंद करते हैं आप, बट प्यार आपको तो एक से होता है जिससे आपकी शादी होती है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी आपको प्यार उससे होता है जिससे आपकी शादी नहीं होती, और रियलिटी है इस तरह की भी चीज़ें हैं, बट जिंदगी तो चलती रहती है और उसको आगे चलाना है हमने। और जिस और बात बताना चाहूंगी जो तो इन दोनों को नहीं पता दैट नीलम मुनीर इज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, वो रमजान के मंथ में काम नहीं करती है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस। शोज में आपको बहुत कम दिखाई देगी क्योंकि वो रमजान में शी इज लाइक प्रैक्टिसिंग 100% वेरी वेरी गुड ह्यूमन। ऑडियंस का सवाल है, आप सुर्खी लगाते हैं, मैं सुर्खी नहीं लगाता, ये बहुत मुझे भी ये मैं प्लीज ऑन एयर कहना चाहता हूँ, कैसे नहीं अगर कोई लगाना चाहे तो उसको मना तो नहीं तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लगा लेनी चाहिए, वो जो लगाना चाहेगा वो यहाँ लगाएगा ना, वो लाना नहीं थी अपनी मर्जी, आपके नॉलेज कम है। वैसे साहब से तक सुर्खी लगाते रहे, ये तो माशाल्लाह रेडी भी लगाते रहे। ऐसा मुमकिन होता है कि आप
अवार्ड सेरेमनी प्लीज वो पहले इसलिए क्लियर करें कि पहली बोल तो नहीं आप बिना बोलेंगे तो सिर्फ मैं पसंद नहीं वो सच बोलेंगे नहीं मैं सिर्फ मैं आगा को मतलब ऑब्वियसली आई एम हिज वाइफ ही विल लव मी बट मैं बात जानती हूं कि जब मैंने आगा का इंटरव्यू किया था आगा रियली एडमायर्स माहिरा एंड आई नो ही विल लव टू वर्क विद हर माहिरा डेफिनेटली एनी डे हु डजंट एनी डे किसी और की बात नहीं हो रही है मेरी बात हो रही है And I would love to share screen with Mayra Khan any day. Actually, मेरा सवाल ये नहीं था. And I will not charge a single penny if it's a film. अरे ड्रामे के पैसे मैं ज़्यादा लेता हूँ भाई. मेरा सवाल कुछ और था. हाँ क्या 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 सवाल? भागते इन नज़ारों में है ये कैसे पल ठहरा हुआ भटके से हम भटके कदम महका है जैसे रुआ रुआ ना ही सोचा ना ही समझा बस करने को मैं चला अभी तो मन मेरे पास था कब बहका कब टला बिना बोले जो नजर कह जाए हौले हौले दिल को दिल से मिलाए जाने जाना मुझे बहकाना challenging character drama ya movie mein se kaun sa tha the role that I've done right now Neelofer mein okay it's of a blind girl and that's very has been that's a very challenging role andhi wali usme wow kaise tumhe roka karu meri taraf हर गम फिसल जाए आंखों में तुमको भरूं बिन बोले बातें तुमसे करूं मगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो अस्सलाम वालेकुम जी मुझे आपसे एक दो जरूरी बातें करनी है एक तो ये कि यकतरफा मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती बस दुआ कीजिए मेरी जोहरा जहां रहे खुश रहे दुनिया में बहुत सी मोहब्बत की कहानियां अधूरी रहती हैं उनमें से एक जोहरा और मूसा की भी सही और दूसरी बात यह कि मैं जब भी हफ्ते के रोज सोकर उठता हूं तो आपकी मोहब्बत भरे मैसेजेस आपकी मोहब्बतें वो कहते हैं ना सर आँखों पर आपकी मोहब्बतें मेरे दिल पर आप यूट्यूब पे हर हफ्ते रक्से बिस्मिल को टॉप ट्रेंड करवा रहे हैं ये सब आपकी मेहरबानी है आपका शुक्रिया और ये सब देखने के बाद ना मेरे दिल में एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है जिसे बयान करना मेरे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा वो मैं ऐसे ही बयां कर सकता हूँ कि आए आए जी दोस्तों मैं हूँ दानिश नवाज मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाशी और इन दोनों के बीच में आ चुका है हाशिया